तो द मार्वल्स मूवी का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया, जहाँ इससे पहले इसका एक टीजर भी आया था जिसमें हमें कुछ खास डिटेल नहीं पता चली थी। पर इस ट्रेलर में हमें मूवी के बारे में काफी कुछ बताया गया कि कैसे तीनों सुपर हीरोज मिस मार्वल, फोटोन और कैप्टन मार्वल है एक साथ आने वाले हैं, मूवी का मेन विलन कौन है और वो क्यों विलन है। साथ ही हम थोड़ा इस पे भी डिस्कस करेंगे कि कहीं ये ट्रेलर हमें मिसलीड तो नहीं कर रहा, क्योंकि मार्वल है इसी के लिए जाना जाता है। तो चलिए समझते हैं द मार्वल्स के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर को। तो ट्रेलर शुरू होता है निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल की कन्वर्सेशन से, जहाँ निक फ्यूरी है सेबर पर। ये एक्चुअली एक स्पेस हेडक्वार्टर है जो बनाया है यूएस गवर्नमेंट ने ताकि स्पेस से आने वाले खतरों को काउंटर किया जा सके। तो वहीं कैप्टन मार्वल है स्पेस में, जो फिलहाल कहीं पे जा रही है, और यहाँ कैप्टन मार्वल के पास है अपना ओल्ड सूट है, यानी कैप्टन मार्वल को अभी तक अपना नया सूट नहीं मिला है। मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी के स्टार्टिंग का सीक्वेंस होगा। खैर, निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला कि ये काफी लंबे टाइम के बाद बात कर रहे हैं, और निक फ्यूरी ने ही कैप्टन मार्वल को कॉल किया है। यहाँ हम स्पेसशिप में इनकमिंग कॉल लिखा हुआ देख सकते हैं, और कैप्टन मार्वल की बिल्ली घुस भी यहाँ इस स्पेसशिप में है। पर इन सब के बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन मार्वल स्पेस में फ्लोट कर रही होती है। यहाँ कैप्टन मार्वल के पास अपना नया सूट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी के क्लाइमेक्स का सीन होगा। खैर, आगे एज यूजुअल मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो आता है, जहाँ मिस मार्वल के इफेक्ट का यूज किया गया। ये रिपोर्ट्स है कि मिस मार्वल का सबसे इंपोर्टेंट रोल होगा इस मूवी में, और ट्रेलर के आगे की सीन से ये समझ में भी आ गया कि ऐसा क्यों है। तो कैप्टन मार्वल इस जगह पे जाती है जो आई थिंक स्पेस में है, और यहाँ कैप्टन मार्वल मिलती है डार्बीम से। ये मूवी की मेन विलन होगी। कॉमिक्स में भी डार्बीम एग्जिस्ट करता है, जहां वो एक मेल कैरेक्टर होता है और ये क्री से बिलोंग करता है। दरअसल ये अपने क्री एम्पायर के राजा को बिट्रे कर देता है और उसकी हत्या करके खुद वहां का राजा बन जाता है। हालांकि इसका राज कुछ लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। अब मार्वल ने इस कैरेक्टर पर एमसीयू में अपना टेक लिया है, क्योंकि ये क्री से तो बिलोंग करता है, पर आई थिंक इसका कुछ स्पेशल रिलेशन होगा रोनन के साथ है, क्योंकि सबसे पहले तो ये उसके जैसा वेपन यूज कर रही है, साथ ही वो कैप्टन मार्वल से चिड़ी हुई है कैप्टन मार्वल ने क्री के साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से। पर इस विलन का सिर्फ कैप्टन मार्वल से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो बैंगल हम इसके हाथ में देख रहे हैं वो एक्चुअली मिस मार्वल के बैंगल का सेकंड पेयर है। हम ट्रेलर के इस सीन में डार्बीम को इस बैंगल को पहनते हुए देखते हैं, जहां जब वो इसे ओपन करती है तो इससे कुछ डस्ट उड़ती है, तो शायद वो यहां इसे पहली बार पहन रही है। इससे पहले वो कई सालों तक ऐसे ही कहीं पे पड़ा होगा। साथ ही हम यहां उसके क्री सोल्जर्स को भी देख सकते हैं, जो पूरे ट्रेलर में हमें कई बार दिख चुके हैं। इवन फर्स्ट ट्रेलर में कैप्टन मार्वल इन्हीं से फाइट कर रही होती है, जो मोस्ट प्रोबेबली वही जगह है जहां कैप्टन मार्वल पहली बार डार्बीम से मिलने वाली है। इवन आई थिंक इनकी ये फर्स्ट मीटिंग ही वजह होगी मिस मार्वल, फोटोन और कैप्टन मार्वल के बीच में जगह बदलने वाले कांड के लिए, जिसके पीछे डार्बीम ही रिस्पॉन्सिबल होगी। और वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे वो दूसरा बैंगल भी चाहिए जो मिस मार्वल के पास है। इसलिए जब कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो कमाला खान के घर पे होते हैं, तो बैकग्राउंड में हम क्री सोल्जर्स को देख सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली उसी बैंगल को लेने आए होंगे, पर मिस मार्वल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जगह बदल ली है कैप्टन मार्वल के साथ और वो कहीं और पहुँच गई है। मोनिका रैम्बो आगे एक्सप्लेन भी करती है, तुम लाइट अब्सॉर्ब कर सकती हो, मैं लाइट देख सकती हूँ, और कमाला, कौन कमाला, हाय, वो लाइट से काफी चीजें बना सकती है। तो इन तीनों सुपर हीरोज में लाइट वाली पावर कॉमन है, इसलिए ये तीनों एक साथ दिख रहे हैं, और इनकी जगह चेंज हो रही है पावर यूज करने की वजह से। इस चीज को आई थिंक पहली बार मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी ही नोटिस करेंगे। इवन वो मिस मार्वल के घर पे जाते हैं उसे मिलने के लिए। इवन यहाँ हम मिस मार्वल के हाथ में एक टैब भी देख सकते हैं। शायद निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो मिस मार्वल को कुछ दिखा रहे हैं कि पावर यूज करने पर उनकी जगह क्यों चेंज हो रही है। साथ ही इस ट्रेलर से हमें ये भी पता चला कि इस मूवी के इवेंट मेनली अर्थ पर ही होंगे, जहां हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई, और इंटरेस्टिंगली इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में अभी भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। तो या तो ये स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के इवेंट से पहले का सीन है, या फिर दोबारा से शील्ड स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर लगा दी गई है। पर हाँ, मूवी की विलन अर्थ पर ही कुछ गड़बड़ करने वाली है। एक सीन में हम वोटर को स्पेस में जाते हुए देख सकते हैं, और इस एनर्जी साइन से ऐसा लग रहा है कि इन्हें बैंगल्स के द्वारा किया गया है, जो बैंगल डार्बीम के पास है। साथ ही कुछ इवेंट सेबर पर भी होने वाले हैं, क्योंकि हम निक फ्यूरी और वहां पर काम करने वाले वर्कर्स को भागते हुए देख सकते हैं। पर जो फाइनल बैटल होगा कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल का मूवी के मेन विलन के साथ, वो आई थिंक एक क्री की स्पेसशिप में हो, जो हमें ट्रेलर के शुरुआत में भी दिखी थी, जहां इस फाइट में हम देख सकते हैं कि डार्बीम का वेपन है मोनिका रैम्बो के पास है, और अगले ही सीन में वो कैप्टन मार्वल के हाथ में होता है। साथ ही मिस मार्वल अपनी पावर्स का यूज करके इन चीजों को बना रही है ताकि टीम को मदद की जा सके। ये सीन उसी तरह है जिस तरह इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज स्टार लॉर्ड की मदद करता है। खैर, ये ट्रेलर एंड होता है घूस के साथ, जहां इस मूवी में अब की बार एक कैट नहीं बल्कि घूस जैसी कई सारी कैट दिखने वाली है। इन्हें शायद मूवी में फन एलिमेंट की तरह दिखाया जाए, जहां ये सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ
का काम करे। अब ओवरऑल ये ट्रेलर काफी अच्छा था। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर काफी कुछ रिवील कर दिया गया मूवी के बारे में, तो आई थिंक कुछ सीक्रेट एलिमेंट है अभी भी बचे हुए हैं जो हमें नहीं बताए जा रहे हैं। वो ट्रेलर हमें किसी और डायरेक्शन में देखने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम इस ट्रेलर से दो ही चीजें कन्फर्म कर पाए हैं कि सीक्रेट इन्विजन में निक फ्यूरी नहीं मरने वाला है और कैप्टन मार्वल भी सीरीज के लास्ट एपिसोड में नहीं दिखेगी, क्योंकि वो ट्रेलर में जब निक फ्यूरी से बात कर रही होती है तो वो कहते हैं कि वो लंबे टाइम के बाद बात कर रहे हैं। मार्वल को ट्रेलर शायद थोड़ा बाद में रिलीज करना था।